देखो क्वेश्चन में क्या है, राइट डाउन द आइसोमर्स ऑफ सी फोर एच टेन। चार कार्बन है ना, पहले स्केलेटन बना ले चार, ठीक है। एक तो यही हो गया, दूसरा क्या करेंगे, एक कार्बन हटा लेंगे यहाँ से, उस कार्बन को फर्स्ट और थर्ड पे लगा नहीं सकते, तो यहाँ लगेगा चार, और कोई आइसोमर्स नहीं बन सकते इसके, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसके दो ही आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, ब्यूटेन, और इसका कॉमन नेम क्या था, एन ब्यूटेन। इसमें एच थ्री, इधर एच थ्री, इधर एक एच और इधर एक एच, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पहले आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम टू मिथाइल प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसका क्या, आइसो ब्यूटेन, क्योंकि टोटल चार कार्बन है तो इसलिए, और एक साइड चेन है तो इसलिए आइसो। अब हमने काम से कहा था आइसोमर्स ऑफ सी थ्री एच एट, अब सी थ्री एच एट के आइसोमर्स लिखने हैं, ठीक है। तो तीन कार्बन हटाइए लगाए, अब इनमें से अगर हम एक कार्बन हटा दें, एक कार्बन हटाने के बाद हम अब इसे कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ, अगर हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा, और अगर हमने फर्स्ट पोजीशन पे लगा दो तो तैयार हो जाएगा, है ना। जरा इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेन। इसमें पेरेंट चेन ये बन जाएगी, तो इसका नाम भी क्या आएगा, प्रोपेन। तो दो सेम है, डिफरेंट तो बने नहीं, और इसका नाम भी क्या आ गया, प्रोपेन। तो हम कह सकते हैं सी थ्री एच एट के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे ही नहीं, तो सी थ्री एच एट हैज नो आइसोमर्स, क्योंकि आइसोमर्स होने के लिए कम से कम दो स्ट्रक्चर होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पे तो तीन स्ट्रक्चर बने लेकिन तीनों सेम ही थे, तो डिफरेंट तो बने नहीं, तो आइसोमर्स ही नहीं होंगे। तो अगर कोई पूछे कि आइसोमर्स बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए, तो फोर, ठीक है। अ कंपाउंड शोइंग आइसोमर्स मस्ट कंटेन एटलीस्ट फोर कार्बन एटम्स, अगर चार कार्बन एटम्स हैं, कम से कम चार, तो ही उसके आइसोमर्स बनेंगे, अदरवाइज आइसोमर्स नहीं बनेंगे।